प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10वीं जमात में SS में 11वां सबक पढ़ेंगे, भारत आबी वसाइल। गुजराती में कहेंगे भारत जड़ संसाधन। तो आबी वसाइल यानी पानी के वसाइल। तो पानी है तो ज़िंदगी है, पानी के बगैर किसी भी ज़ीरूह की ज़िंदगी मुमकिन नहीं। हर एक ज़ीरू की ज़िंदगी का इन्हिसार किस पर होता है? पानी पर होता है। किसी भी मुल्क की तरक्की का इन्हिसार उसकी ज़रात और उसके लिए इस्तेमाल होने वाले पानी पर होता है। तो हम देखते हैं पानी का इस्तेमाल बहुत सारी जगह पर होता है, जैसे कि ज़रात में होता है, घरेलू कामकाज में होता है, पीने के लिए होता है, सनअतों में होता है, बिजली पैदा करने के लिए होता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि आबादी बढ़ रही है और आबादी बढ़ने की वजह से पानी का इस्तेमाल भी बढ़ता जा रहा है। इस वजह से पानी की कमी महसूस हो रही है, किल्लत महसूस हो रही है। इसलिए हमें पानी का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, किफ़ाया शुआरी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि पानी हमारी ज़रूरतों का एक महदूद ज़रिया है और पानी का मकाम, पानी की जगह कोई दूसरा ज़रिया नहीं ले सकता है। उसके बाद हम देखेंगे पानी के मंबे। तो पानी के ख़ास तीन मंबे हैं, बारिश का पानी, अर्जी पानी, ज़ेरे ज़मीन पानी। तो अर्जी पानी यानी ज़मीन पर जो हमको पानी दिखाई देता है वो पानी, और ज़ेरे ज़मीन पानी यानी ज़मीन के अंदर, ज़मीन के नीचे जो पानी है वो, उसे ज़ेरे ज़मीन पानी कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बारिश का पानी। तो बारिश का मंबा जो है वो बहुत ही ख़ास मंबा है। नदी, झीलें, झरने और कुएं में जो पानी दिखाई देता है वो बारिश का पानी होता है, और ये तमाम ज़राए जो हैं वो बारिश के पानी पर मुनहसर होते हैं। उसके बाद देखेंगे अर्जी पानी। तो सतह ज़मीन पर यानी ज़मीन के ऊपर नदी, झील, तालाब, झरने और समंदर वगैरह में जो पानी दिखाई देता है उसे अर्जी पानी कहा जाता है। इसी तरह ज़ेरे ज़मीन पानी यानी ज़मीन जो पानी अपने अंदर जज्ब करती है उस पानी को ज़ेरे ज़मीन पानी कहते हैं, और हम सब ज़्यादातर यही पानी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ज़मीन के नीचे का पानी ही इस्तेमाल करते हैं। तो भारत के शुमाल मैदान के इलाकों में 42% ज़ेरे ज़मीन पानी है, जबकि जुनूबी भारत में सतह मुर्तफा और पहाड़ी इलाके होने की वजह से वहाँ पर ज़ेरे ज़मीन पानी की मकदार कम नज़र आती है। तो ज़ेरे ज़मीन पानी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा सिंचाई के लिए किया जाता है, आबपाशी के लिए किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे आबी वसाइल और उनका इस्तेमाल। तो भारत में तकरीबन 84% पानी सिंचाई के तौर पर इस्तेमाल होता है, यानी सिंचाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। मसलन 1 किलो गेहूं की पैदावार के लिए तकरीबन 1500 लीटर पानी की ज़रूरत होती है। इसके अलावा कई फसलें ऐसी होती है जिसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जैसे धान है, पटसन है, और गन्ने की फसलों में ज़्यादा पानी लगता है। तो कदीम ज़माने से ही सिंचाई के लिए पानी का इस्तेमाल होता आ रहा है। इसके अलावा जिन इलाकों में पानी कम होता है वहाँ पर नहरों के ज़रिए सिंचाई की जाती है, जैसे कि कावेरी नदी से ग्रैंड एनीकट नाम की मशहूर नहर निकाली गई और उस नहर के ज़रिए वहाँ पर सिंचाई की जाती है। इसी तरह 1882 में उत्तर प्रदेश में जमुना में से नहर निकाली गई और जमुना नहर के ज़रिए वहाँ पर सिंचाई की जाती है। तो भारत में सिंचाई के ख़ास तीन ज़राए हैं, कुआं और ट्यूबवेल, नहरें, और तीसरे नंबर पर है तालाब। अब इनमें भी कुआं और ट्यूबवेल जो है वो सिंचाई के ख़ास ज़राए हैं।
नहरों का दूसरा नंबर आता है और तालाब का सिंचाई में तीसरा नंबर आता है। अब नहरों के ज़रिए सिंचाई कहाँ ज़्यादा की जाती है, तो शुमाली भारत में की जाती है, जिसे दरियाए सतलज, जमुना और गंगा के वसी मैदानों में नहरों के ज़रिए सिंचाई की जाती है। इसी तरह मशरक़ में तालाबों के ज़रिए, मशरक़ी भारत में तालाब के ज़रिए सिंचाई की जाती है। इसके अलावा मशरक़ी और जनूबी भारत में ज़्यादातर सिंचाई तालाबों के ज़रिए ही की जाती है। उसके बाद हम देखेंगे कसीरुल मकासिद मंसूबे। अब कसीरुल मकासिद मंसूबा यानी ऐसा मंसूबा जिससे कसीर मकासिद हासिल हो सके, यानी एक वक्त में कई सारे मकासिद हासिल हो सके, उसे कहते हैं कसीरुल मकासिद मंसूबा। जैसे कि बंध होता है जो डैम जिसे हम कहते हैं, उसे कहेंगे कसीरुल मकासिद मंसूबा। तो भारत में कई छोटी बड़ी नदियां बहती है, भारत के आबी रास्ते को बहुत तरक्की हासिल हुई है, इसकी वजह भारत की सतह ज़मीन ऐसी है कि कई नदियां दूसरी नदियों से मिल जाती है और उसका पानी समंदर से मिल जाता है। तो इस पानी का इस्तेमाल दिगर कसीर मकासिद के लिए होता है, यानी कि कई सारे मकासिद पूरे करने के लिए होता है। अब कसीरुल मकासिद मंसूबे का इस्तेमाल बहुत सारी जगह होता है, जैसे सैलाब पर काबू पाया जा सकता है, ज़मीन के कटाव को अटकाया जा सकता है, सिंचाई के लिए इस्तेमाल होता है, पीने के पानी के लिए इस्तेमाल होता है, सनतों में इस्तेमाल होता है, बिजली की पैदावार में, आबी या बहरी रास्तों में होता है, तफरीह के लिए होता है, जंगल के हैवानात की हिफाजत के लिए, मछलियों की परवरिश को फ़रोग देने में भी बंध के पानी का इस्तेमाल किया जाता है। यानी इस तरह एक मंसूबे से कई सारे मकासिद हमको हासिल हो रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे सिंचाई के मैदानों की तकसीम। तो भारत की हर एक रियासत में सिंचाई के मैदानों में फ़र्क नज़र आता है, जैसे भारत में तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, शुमाल मगरबी उत्तर प्रदेश वगैरह मुल्क के वसी सिंचाई मैदान है, यानी इन इलाकों में ज़्यादा सिंचाई होती है, बड़े बड़े सिंचाई के मैदान हैं यहाँ पर। आज़ादी के बाद भारत में सिंचाई का इलाका तकरीबन 4 गुना बढ़ गया है। इसके अलावा भारत में 38% हिस्से में सिंचाई की जाती है, यानी जो अच्छा खेती का इलाका है वहाँ पर 38% हिस्से में सिंचाई की जाती है। तो भारत की रियासतों में सिंचाई के इलाकों की तकसीम में बहुत बड़ा फ़र्क है, जैसे कि मिज़ोरम में खेती के इलाके में सिर्फ 7.3% इलाके में सिंचाई की जाती है, जबकि पंजाब में 90.8% इलाके में सिंचाई की जाती है। यानी सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ की जाती है, पंजाब में की जाती है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, मणिपुर में काबिले काश्त ज़मीन के कुल इलाके का 40% से ज़्यादा इलाका सिंचाई पर मुनहसर होता है, यानी ये तमाम रियासतों का 40% इलाका ऐसा है कि जो सिंचाई पर मुनहसर होता है, यहाँ पर सिंचाई करनी ही पड़ती है। तो इसके अगले जो पॉइंट है, आगे के जो पॉइंट है वो हम बाद में देखेंगे।